हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि हमारे भारत देश में सबसे भयंकर खतरनाक बीमारी है वो क्या है, जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो है छुआछूत की बीमारी। इंसान इंसान से नफरत करता है, घृणा करता है। यह सब कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया है, यह तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई और कैसे बनाई। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जाति व्यवस्था छुआछूत ब्राह्मणों की देन है, और कुछ लोगों का यह कहना है कि छुआछूत और जाति व्यवस्था मुगलों ने बनाई, और वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था छुआछूत अंग्रेजों की देन है। लेकिन दोस्तों, बहुत सी जगह पर हमने चैनलों पर वोटिंग किया हुआ देखा है कि 95% ब्राह्मणों की ही देन है छुआछूत और जाति पाति और ऊंच नीच करने में। हालांकि हमारा मानना यह है कि सभी ब्राह्मण को हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ब्राह्मणों ने बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में साथ सहयोग दिया है तन मन और धन से, लेकिन बहुत से मनुवादी चोस रखने वाले ब्राह्मणों को हम कह सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ प्यार ही मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। साथियों, छुआछूत और जाति व्यवस्था की हम बात करें तो ये दोनों बातें अलग अलग है। जाति व्यवस्था की वजह से छुआछूत ने हमारे भारत देश में जन्म लिया और सबसे बड़ी बीमारी बनी, जो कि एक ही धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर बैठकर विचार विमर्श करने में और एक दूसरे की सहायता करने में बहुत सारी बाधाएं खड़ी करती है। लेकिन दोस्तों, उन दोनों के पहले भी कुछ था। हम जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक सारी व्यवस्था और छुआछूत की परिभाषा को समझ ही नहीं पाएंगे, और वो है हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था। आइए मैं आपको ले चलता हूँ उस वैदिक काल में, जब से वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, उसके बाद में जाति व्यवस्था, फिर उसमें से पैदा किया गया छुआछूत की गंभीर बीमारी। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जितने भी जातियों के लोग रहते हैं, उन्हें चार वर्णों के अंदर डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों वर्णों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को बताया गया है और सबसे नीचा शूद्र को बताया गया है। अब ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई और किस आधार पर बनाई, इसके पीछे की एक कहानी है। इसका थोड़ा सा पार्ट आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ, क्योंकि जब तक हम वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक जाति व्यवस्था के बारे में हम नहीं जानेंगे, और जब तक जाति व्यवस्था के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हम छुआछूत के बारे में नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, मनुस्मृति में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया तो अपने शरीर के चारों जगह से चार लोग को पैदा किया। सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को पैदा किया, इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी नाभि से वैश्य को पैदा किया, और सबसे अंत में ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया। मनुस्मृति के अंदर यह आज भी लिखा हुआ है कि हालांकि इस बात की पुष्टि टेक्निकल और विज्ञान से तुक नहीं की जा सकती और न ही ऐसा संभव है। पता नहीं वैदिक काल में यह सब कैसे हो जाता था, या फिर यह सबसे बड़ा झूठ है और यही सत्य है। दोनों इन्हीं चारों वर्णों का काम भी मनुस्मृति के अंदर विस्तार से अलग अलग लिखा गया है कि किस वर्ण को क्या करना होगा। ब्राह्मणों को शिक्षा देना और शिक्षा लेना, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण को पढ़ाना और लिखाना, इसके साथ साथ राजाओं के किए हुए फैसले को बदलना और अपने मन चाहा फैसला करवाना, ये सारे अधिकार मनुस्मृति में ब्राह्मणों को दिया गया है।
बाकी के तीनों वर्णों का काम किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करना ही बताया गया है। जैसे कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों की रक्षा करना, वैश्य को व्यापार करके ब्राह्मणों को आर्थिक मदद करना और शूद्र को मूल रूप से ब्राह्मणों की किसी न किसी तरह से सेवा करना ही धर्म बताया गया है। इसके अलावा शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों को बहुत सारे काम सौंपे गए थे, जैसे कि खेती करना, मरे हुए जानवरों को उठाना, गंदगी साफ करना और उनके घरों की साफ सफाई करना इत्यादि। और इन्हीं कर्मों के आधार पर हिंदू धर्म में जातियां बनी। जैसे कि कोई चमड़े का काम करता है तो उसे चमार कह दिया गया और कोई मिट्टी का काम करता है तो उसे कुम्हार कह दिया गया। अगर कोई आदमी लकड़ी का काम कर रहा है तो उसे सुतार हो गया और कोई लोहे का काम कर रहा है तो वो लुहार हो गया। दोस्तों, यह तो बहुत बात हुई जातियों की और वर्ण व्यवस्था की। अब छुआछूत की भयंकर बीमारी बीच में कहां से आ गई, आइए जानते हैं। जो लोग जैसा काम करते थे वैसा ही उनके साथ में व्यवहार किया जाने लगा। जैसे कि कोई मेला ढोने वाला और गंदगी साफ करने वाला है तो उसके काम को गंदा समझकर लोग उससे परहेज करने लगे और उनको चूना, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया गया और उनका चुहा हुआ खाना खाने से बंद कर दिया गया। और फिर धीरे धीरे ये चुहाचूत इतनी बड़ी बढ़ गई कि उन लोगों के घर गांव के किसी कोने में बनाए जाने लगे और उनका एक समूह बनता गया। इस तरह चुहाचूत ने हिंदू धर्म में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली जिसे उखाड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आइए अब जानते हैं कि भारत में चुहाचूत कब पनपने लगी। तो इस बात की पुष्टि सही तरीके से और 100% पुष्टि करना तो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन चीनी इतिहासकार पीएस ओर्निक 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा में आए थे। उन्होंने अपनी किताब सोशल मोबिलिटी लिखा है कि भारत के लोग अपने काम के आधार पर चार भागों में बटे हुए हैं। इनमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर और सम्मानित माना गया है, इसके बाद क्षत्रिय और वैश्य वर्ण आता है और सबसे नीचे कर्षक आता है जो खेती करता है, और उसके भी नीचे कसाई, मछुआ, जल्लाद इत्यादि लोग आते हैं। इनकी बस्तियों औरों की बस्तियों से अलग और दूर बसाया जाता है जिसकी वजह से उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। जब वे सड़क पर चलते हैं तो डरते हुए वो बाईं तरफ चलते हैं ताकि उनको कोई छू ना ले और वो भी किसी को छू ना पाए। आइए अब बात करते हैं भारत में चुहाचूत का मानसिक बीमारी का विरोध किसने किया। साल 1902 में साहूजी महाराज ने अपने राज्य में क्रांतिकारी कदम उठाया। 26 जुलाई को ये आदेश दिया कि राजा ने सभी ऑफिसों में पिछड़ों के लिए 50% सीटें आरक्षित होगी। जिन ऑफिसों में अभी पिछड़ों की प्रतिनिधि 50% से कम है वहां पर अगली भर्ती में पिछले वर्ग को शामिल किया जाएगा। यहां पर पिछड़ों का मतलब गैर ब्राह्मण जातियों से है। ये वो वक्त था 90% सीटें प्रशासनिक पद पर ब्राह्मण हुआ करते थे। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की राह बताई। उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के चुहाचूत पर कानून रोक लगा दी थी। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने चुहाचूत को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सही तरीके से वे इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का संविधान लिखा गया, तो नेशनल लेवल पर कानूनी तौर से इस कुप्रथा को खत्म बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। तो साथियों, आज की पीढ़ी का प्रमुख कर्तव्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, क्योंकि इसके कारण समाज में असमानता, एकाधिकार, विद्वेष आदि रोष उत्पन्न हो जाते हैं। वर्गहीन एवं गतिहीन समाज की रचना के लिए अंतरजातीय बोझ और विवाह होना चाहिए। इससे भारत की उन्नति होगी और भारत समतावादी राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।